मुझे कॉल पिक नहीं की, टाइम नहीं दिया, लेकिन मैं आज इनके घर में मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं, लोहरी व्लॉगर एंड इस टाइम मेरे साथ है मम्मा और मोमना। अच्छा, मोमना अली हुसैन, और ये है एंकर पर्सन। अच्छा, ये कौन है? आए इनसे जानते ही, तो आपको मैंने पहले आप तो आप हमें ये बताएं। कौन है और कहाँ से? जी, मैं एंकर पर्सन हूँ फ्रॉम डेली न्यू। अच्छा, वहाँ पे मैं वर्क करती हूँ। ये कमल आफ्ताब ने, आप ही ने जो न्यू चैनल बनाया डेली न्यू, पहले गपशप था, उधर से उन्होंने अब नाम चेंज करके नया चैनल बनाया। ये कमल आपी की तरफ से आई है। हाँ जी, तो मैंने यही आप लोगों को कहना था कि मैंने अदनान और का मैंने इंटरव्यू लेना था, लेकिन इन लोगों ने तो इंटरव्यू लेने के लिए, और साथ में इनकी मदर भी मौजूद है, बहुत क्यूट सी है, और तो आज मैं आई हूँ लाहौरी ब्लॉगर के घर, जो बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स बनाते हैं, और माशाल्लाह से इनके मैंने ब्लॉग्स देखे भी हैं, और मैं आपको भी कहूँगी कि इनके ब्लॉग्स देखें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू, वेलकम। सो गाइस, मैं जो है ना सुबह से हमारे घर गेस्ट आ रहे थे, और ये देखो फुफ्फो की तबीयत ख़राब थी आज, फुफ्फो को भी देख के आप लेटे ही हैं, और मामू जी, मामू मम्मा की तरफ से मामू, पापा की तरफ से फुफ्फो, और मामू भी इस्लामाबाद गए थे, इस्लामाबाद से आ गए हैं। तो आपका कैसा रहा इस्लामाबाद का टूर? बस अभी टूर पूरा तो नहीं हुआ, मुकम्मल ही काम हुआ मेरा, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, उसकी वजह से मैं देर से पहुंचा मिले। तो आ रहे थे तो ना इनकी गाड़ी जो है रास्ते पे ख़राब हो गई थी, इसलिए ये लेट हो गया। कल इनकी फिर वापसी है, कल फिर वापसी है ना, सुबह 12 बजे के मेरे ख्याल से फिर वापसी है। और फुफ्फो के लिए आपने दुआ करनी है ज्यादा से ज्यादा, अल्लाह पाक इनको, ओहो क्या कहने लगा था, मैं पहले कहने लगा था अल्लाह पाक इनको दोजख में कोने वाला 10 मर लेगा प्लाट ने, फिर मैंने कहा नहीं फुफ्फो अभी जुत्ती आती है, फुफ्फो कहते जुत्ती पही दे कोल कोई नहीं गई। अच्छा, आपने मेरे पहले कमेंट में वो भी बताया था कि इनका मजाक कैसा लगा था, ये फुफ्फो मेरी मजाकिया बहुत है, पता है एक बात है कि पुलिस में जो होते हैं ना, पुलिस वाले मजाक बहुत कम करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो माशाल्लाह से, लेकिन मजाक तो जिंदगी का ही हिस्सा है। अच्छा, तो होना भी चाहिए होना कभी कभार, कभी कभार। और मम्मा आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले? मैं कहूँगी कि जिंदगी 4 दिन की है, एक दफा ही आनी। अच्छा, जिंदगी 4 दिन में पैकेज 8 दिनों तो ला के बह गए, हॉटस्पॉट दे दे कर लेनी है। हाँ। हाँ। अच्छा, मेरे बालों का कलर ठीक नहीं लग रहा, वैसे ही घर में इतना शो नहीं होता। अच्छा, तो आज हमारे घर में सुबह से माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी। मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपनी जो है बाइक वगैरह सर्विस करवाने गया था, वो भी आपके साथ में वीडियो लगा दूंगा इसमें, वो भी आप देखना। उसके बाद फुफ्फो के हमें कॉल आ गई थी, ये शायद अनकरीब शहीद हो जाए, फिर बिरयानी खाने को मिलेगी। अच्छा, इन्हें भी बारी मिल लगता है, चने वाले चोल, चने वाले भी छोड़ो, इन्हें सादे चोल पकाने ने चीटे उत्ते जीरा पाए। और फिर जो है अदनान के मामू जान गए हुए थे मीटिंग पे, ये भी आ गए, इन्होंने कल से दोबारा जाना है, और गाड़ी इनकी काफ़ी, इन्होंने जो है ना, उन्होंने गाड़ी ने नुकसान करवाया है ढेर सारा इन बेचारों का, तो आप दुआ कीजिएगा, काफ़ी हम टेंशन में भी हैं, इन्होंने हमें परेशान कर दिया। और बाकी हाय अल्लाह, अदनान दी हमने बात थक गई है, कमेंट्स आई लाजमन करना, अदनान दी बात थक गई है, इनू स्टैंड ले रहे हो? हाँ, और स्टैंड मेरे पर पड़े में, लेकिन ना व्लॉग बनाए ऐसे करके, तो ऐसे करके ना रख के नहीं बनाने, ऐसे तो मैं किसी भी चीज़ पे यहाँ पे रख के, तो है ना, नहीं नहीं सेल्फी स्टिक वगैरह की जरूरत है, स्टैंड मेरे पर पड़ा हुआ रिंग लाइट वाला। और आज हमारे घर में एक वो भी बड़ी चुलबुली सी मेहमान भी आई थी, उसकी भी बनाई है वीडियो। हाँ, स्टार्ट उसी से किया मैंने। हाँ, मैंने अच्छा, वो भी बड़ी अच्छी थी, और मोमना बहुत मजा आया, मजा आया, बहुत एंजॉय किया, फर्स्ट टाइम था इनके साथ, फील नहीं हुआ कि आपके साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया आप सबके साथ, और थैंक यू आपने टाइम निकाला, और इतनी दूर से हमारे घर है सिर्फ अदनान से मिलने के लिए, अली मेरे लिए दुआ करनी है, जो मुझे परेशानी है वो दूर हो जाए, इनकी बीवी हो जाए, और
आमीन आमीन। ओहो ओए उड़े पे मैं देखो आंटी पिछू हाथ पे अरे नहीं सारी गल छोड़ो खुशियां चक कदी खुशियां चढ़िया है कदी खुशियां चढ़िया अरे लो बुढ़े बारे पे इश्क पे किवे गाना सी इश्क पे करना है पता होगा जब जवानी है मलंगी दो भरा एक सही दूजा नशेली चलो छोड़ो परे। अच्छा मैं तो कह रहा छोटी सी वीडियो इतनी लगा देते हैं मेहमानों की वजह से ना बिजी थे तो आजकल वैसे भी घर में ना काफ़ी मतलब के आ रहे हैं तो उसकी वजह से बिजी हैं टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का। ऊपर से फूफो की तरफ अस्पताल गए हुए थे और अंकल को भी फिर वो वहाँ से मतलब कि गाड़ी तो उनकी ख़राब हो गई थी फिर इनको भी लेने जाना था तो बस यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी। तो मेहमानों की तैयारियों वगैरह में लगे तो बस यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें अपनी लाजमी कि हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ना भूलें। हाँ आंटी आज आप ओके अदनान के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का स्पेलिंग तो सुना दो चल रे नहीं नहीं काफी लोग सब्सक्राइब भी सही नहीं बोलते क्या अल्फाज क्या सब्सक्राइब सब्सक्राइब सही बोल रही है फूफू मेरे खुद मेरे आप मुंह ते चढ़ते रहे मेरे खुद मुंह ते चढ़ते दो हफ्ते लगे थे कि मेरी जबान से तिलक जाता सी सब्सक्राइब लेकिन आपको भी अंकल जी क्या लग रहा है मुझे नहीं पता बस इन्होंने पंगे तो नहीं पहनते आप बता क्या लग रहा है सारे ना तू है कौन मैनू अपने घर रखे पुत्र ऐसा पुत्र लोग कहने के माँ ने इन लै के पालिया। अच्छा पुप्पो ये क्या सिस्टम है मुझे लोग काफी मतलब के बाहर तो पता चलता कि नान इनका सगा बेटा नहीं अच्छा तो बस ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो से अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और फूफो के लिए दुआ करें इधर करो इधर इनके लिए दुआ करें जल्दी जल्दी जो है ना वो दोजख में जाके सॉरी जन्नत में जगह बना दस मरले का अल्लाह ताला इनको प्लाट दे कोने वाला हमें इनकी जरूरत नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।